बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी नमकीन गोश्त की। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 3-3.5 किलो गोश्त लिया है और गोश्त जो है उसको चर्बी वाला होना बहुत ज़रूरी है। उसमें चर्बी होगी तो वो नमकीन गोश्त बनेगा। तो इसलिए दुम्बे के गोश्त की चर्बी और बकरे के गोश्त की चर्बी का थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो थोड़ी सख्त वाली ऐसी चर्बी है वो आपने इसमें यूज़ कर लेनी है। और ये ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है। मेरे इन लॉज जो हैं वो क्वेटा से बिलोंग करते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ एक बिल्कुल परफेक्ट जो ओरिजिनल रेसिपी है नमकीन गोश्त की वो शेयर की जाए। बहुत ही सिंपल होती है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। ओरिजिनल रेसिपी में नमकीन गोश्त दुम्बे के गोश्त से ही बनता है और उसमें दुम्बे के गोश्त के साथ उसकी चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेरे पास इस वक्त क्योंकि बकरे का गोश्त अवेलेबल था तो इसलिए मैं उसके साथ बना रही हूँ और बकरे में जो ज़रा थिक चर्बी थी वो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो आप किसी भी गोश्त से बना सकते हैं। गोश्त जो है वो मैं डाल चुकी हूँ कुकर के अंदर और इसमें अब मैं डालूंगी नमक। नमक तकरीबन इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून। इसमें मैंने नमक डाला है और हस्ब जरूरत पानी डालूंगी कि जिससे कि गोश्त गल जाए। जस्ट इसमें नमक मैंने डाला है कुर्बानी का या अकीकों का। ये जो गोश्त होता है ये बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, लजीज तो होता ही है, दूसरा ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो मैं 15 मिनट के लिए इसे बंद करूंगी। 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट बाद मैं कुकर की सीटी उठा रही हूँ। पहले मैंने इसे ठंडा कर लिया। अगर आपको बहुत जल्दी हो कुकर खोलने की तो आप ठंडा पानी डाल के इसे ठंडा कर लें फिर खोलें, और खोलने के बाद एक एहतियात और करें कि दूसरी तरफ को यूँ कुकर का ढक्कन उठाया करें। कुकर खोलने के बाद ये देखें इसमें ये पानी है, पानी काफ़ी ज़्यादा है। मुझे इसे ड्राई करना है पानी को, इसलिए मैं इसे खुले बर्तन में कर लूँगी ताकि ज़रा जल्दी जो है ये ड्राई हो जाए, क्योंकि कुकर में ड्राई करते हुए गोश्त के घुलने का डर है। गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। जो लोग प्याज टमाटर या इस तरह की कोई भी चीज़ डालते हैं उनकी रेसिपीज़ मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छी नहीं बनती, लेकिन वो नमकीन गोश्त नहीं होता। नमकीन गोश्त में सिर्फ नमक डलता है गोश्त में, उसके अलावा कुछ नहीं डलता। नमक डाल के उसको गला लिया जाता है। अगर रोश की तरह इस तरह ज़्यादा यखनी रखना चाहते हैं तो ज़्यादा यखनी रख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे पसंद करते हैं, कुछ लोग हल्का हल्का सा जो है वो इसमें शोरबा रस सा अच्छा उनको लगता है तो वो वैसे पसंद करते हैं, तो वो हल्का हल्का सा रख लेते हैं गीला इसको, और कुछ बिल्कुल ड्राई करके खाते हैं। अगर रोटी के साथ खाना हो तो थोड़ा सा गीला पसंद है हमें। इस वक्त मैं बिल्कुल ड्राई बना रही हूँ। वैसे तो जो नमकीन गोश्त है वो चर्बी वाले गोश्त से ही बनता है, लेकिन अगर आप बगैर चर्बी वाला गोश्त बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने इसमें ड्राई करने के बाद पानी को थोड़ा सा ऑयल डाल देना है और फिर इसको हल्का सा भून लेना है अगर आप बिल्कुल ड्राई खाना चाह रहे हैं। और जो लोग थोड़ा थोड़ा रस रखते हैं इसमें, हल्का हल्का सा पानी रखते हैं, वो यहाँ पर चूल्हा बंद कर देते हैं। यानी कि ये एग्जैक्ट वो जो हल्का हल्का सा पानी रखते हैं ना, तो उतना तैयार हो गया आपका गोश्त अगर आप इतना गीला रखना चाहते हैं। तो ये भी ठंडा होके जो है वो इसके साथ चिपक जाएगा। अब इसे क्योंकि मुझे थोड़ा और ज्यादा ड्राई करना है तो इसलिए मैं साइड पे इस तरह एहतियात से चम्मच हिलाती रहूंगी और इसको ड्राई करती रहूंगी, क्योंकि मैंने इसे कुकर में बंद किया था तो ये 15 मिनट में भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह गल गया और भी पानी ड्राई करते करते मजीद गल गया। और अब ये देखें गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया और इसके अंदर ये जो चमक रहा है ये जस्ट ऑयल है। हमें इस तरीके का गोश्त तैयार करना था। होम मेड इमली की चटनी है, इसके साथ इंजॉय करें, चाहे केचप के साथ इमली की चटनी की अभी मैं लिंक दे दूंगी। ये जो इर्द गिर्द आपको थोड़ी थोड़ी नजर आ रही होगी ये इसकी चर्बी है और इसमें पानी नहीं है। तो मैंने इसे बहुत ज्यादा नहीं भूना, लेकिन ये क्योंकि ज्यादा गला हुआ था तो मैंने थोड़ा सा ही भूना कि बस जब तक ये ड्राई होता रहा मैं थोड़ा थोड़ा भूनती रही। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ मेरी नमकीन गोश्त की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर आऊंगी एक और मजेदार से गोश्त की ही रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्दी। इजाजत दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उसके साथ एक बेल होगा उसे ऑल पे सेट करके हिट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।